हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही लाजवाब सी काले चने की सब्जी की रेसिपी। ये देखिए, मैंने बहुत ही डिलीशियस सी काले चने की सब्जी बनाई है, जो देखने में बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही लाजवाब बनी है। तो ये रेसिपी आज आपके साथ भी शेयर करते हैं। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। ये 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो तेल गरम हो गया है, तो इसमें अब हम डाल देते हैं जीरा। तो ये जीरा डाल दिया है। जीरे को हम हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। तो जीरा हमारा हल्का सा हो गया है ब्राउन। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 2 प्याज काट लिए लंबे लंबे स्लाइस में, और ये 2 काटी हरी मिर्च। तो दोनों चीज़ों को हम एक साथ ही तेल में डाल देंगे। और प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज जो हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब इसमें हम डाल रहे हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है, वो भी प्याज के साथ ही हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को पकते हुए 2 मिनट हो गई हैं, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, जिसके 2 टुकड़े कर दिए हैं, और 2 डाली है मैंने लौंग। लौंग से क्या होता है कि जो पेट में गैस बन जाती है सब्जी से, वो नहीं बनेगी। तो अब दोनों चीज़ों को हमें प्याज के साथ ही मिक्स करते हुए भून। मैंने तेल भी इसलिए नहीं डाला क्योंकि तेल में डालने से जो होता है, ये थोड़ा सा हल्के से जल जाते हैं, तो ये प्याज के साथ भी इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इधर अब सब्जी में डालने के लिए हम एक मसाला रेडी करते हैं। तो जिसके लिए 1 टीस्पून हमें ले लेना हल्दी पाउडर। इसके साथ ही सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए हमें ले लेना है 1 टीस्पून जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आता है वो, और 1 टीस्पून हमें थोड़ा सा तीखे वाला लाल मिर्च का पाउडर लेना है। अब बारी आती है धनिए की। तो ये मैंने 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर ले लिया। धनिया पाउडर थोड़ा सा ही सब्जी में ज़्यादा जाता है। और इसके साथ ही अब मैंने लिया है किचन किंग मसाला। आपके पास कोई भी सब्जी मसाला है, आप वो भी ले सकते हो। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हो सब्जी के अकॉर्डिंग। तो ये सब्जी मसाला कोई भी हो, आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो ये पानी डाल के और सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए बढ़िया सा इसका एक घोल हमें तैयार कर लेना है। इससे क्या होता है, मसाले जो होते हैं हमारे अच्छे से फूल जाते हैं और सब्जी इससे बहुत ही लाजवाब बनती है। तो सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने 1 कप चने रात को भिगो के रख दिए थे, और सुबह उनका पानी निकाल कर उनको 2 बार धोकर और कुकर में डालकर उनको उबाल लिया है। तो चने जो हैं हमारे, देखिए अच्छे से उबल गए हैं, और इसका जो पानी है वो भी हमें निकालना नहीं है, हम साथ ही डालेंगे इसका पानी भी सब्जी में। प्याज देखिए हमारी अच्छे से फ्राई हो गई, चारों तरफ तेल रिलीज हो गया है देखिए। तो इसका मतलब है मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो मसाला हमने तैयार करके रखा था वो मसाला, और मसाले को भी हमें प्याज के साथ गैस को लो और मीडियम फ्लेम पे करते हुए अच्छे से तब तक पकाना है जब तक इसके चारों साइड से तेल रिलीज ना हो जाए। मसाला तेल ना छोड़ते तब तक हमें इस मसाले को पकाना है। देखिए ये जो मसाला है हमारा अच्छे से पककर रेडी हो गया है, इसने तेल रिलीज कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं नमक। नमक वैसे जब मैंने चने उबाले थे उसमें भी डाला है, तो आप अपने हिसाब से नमक डालना। तो ये नमक डाल के ना मिक्स कर दिया है। तो अब इसमें डालेंगे जो चने हमने बॉयल करके रखे थे वो वाले चने, और उसका जो पानी था वो पानी, क्योंकि हमें मसाले के साथ भी पकाना है चने को, तो इसलिए पानी हम साथ में ही डाल देंगे। सब्जी को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे, चने को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। हमारी सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए, तो देखें हमारी सब्जी में कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
को दोनों हाथों से क्रश करके हमें थोड़ी सी इसमें डाल देनी है कसूरी मेथी, और थोड़ा सा हम डाल लेंगे इसमें गरम मसाला, क्योंकि वैसे तो सब्जी मसाला हमने डाल दिया था पहले, लेकिन गरम मसाले का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इस सब्जी में। और इस सब्जी में हमने टमाटर नहीं डाले ना, टमाटर की कमी पूरी करने के लिए थोड़ा सा हमें डालना है अमचूर पाउडर। तो सारी चीज़ों को अब हमें अच्छे से मिला देना है और 2 मिनट तक हमें सब्जी को और पका लेना है। तो सब्जी हो गई है हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं हरे धनिए के साथ। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और लाजवाब सी सब्जी बनकर रेडी है। जो ये काले चने होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।